थोड़ा समय जल्दी लग सकता है, आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, बस आज के बाद किसी से कहने का, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं, मेरा बेटियों से मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है, आपको सोचना चाहिए कि हमारा हम घर परिवार अगर छोड़कर एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करनी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा, जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए तब अपने मन को शांत रखकर शिव का नाम लेकर ओगर का नाम को याद करकर उसका भजन करकर तब निर्णय लो कि मैं भजन करूँगा। जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ आपको भड़काने वाले नाता मिलेंगे, अगर मैं ऐसा करता है तो क्या जाएंगे तुम उसके पास हट जा नहीं बेटी बेटी का माँ कब तक एडजस्ट करें, हर बार गाली में जैसे आपको कहते जैसे खाना देने के हाथ खड़े सुन एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का बेटा कह रहे पत्नी ऐसी है ऐसा बोल कोई बात नहीं थोड़ा सा हाँ अगर अपन निर्णय नहीं दे पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर विचार करना कि मैं निर्णय लिया हूँ, माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सतगुरु के पास जाना, साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पत्नी ही खाई, ये शादी जबरदस्त नहीं हो गई, पत्नी का तो मिल ही रिश्ता तो होने ही नहीं था, अब हो गया उसको क्या कर मोबाइल सही करने की दुकान और पोस्टर रहा कंपनी, अब कोई चीज ऐसी कदम मिल रही है देखो बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे कि जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीता भाई पारासर ने जब करवाई थी तो वो गीता भाई पारासर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदारी करती हो इनके रिश्तेदार इन लोगों के रिश्ते में भी और कल हमारे जो पुरोहित भी हमको दर्शन करा गए उनके सहज Well,